ठगी और वसूली मामले में लगे आरोपों से परेशान होकर हाल ही में नोरा फतेही ने जैकलीन के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिल। नोरा का कहना है कि जैकलीन और मीडिया ट्रायल की वजह से उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। नोरा ने आरोप लगाया कि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम जबरदस्ती इस्तेमाल किया गया। नोरा ने दावा किया है कि उनका सुकेश से कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो सुकेश को उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल के जरिए जानती थी। नोरा फतेही के आरोपों पर अब जैकलीन फर्नांडिस के वकील का बयान आया है। जैकलीन के वकील प्रशांत पाटिल ने अभिनेत्री की तरफ से सफाई देते हुए कहा कि उनकी क्लाइंट जैकलीन ने कभी भी नोरा फतेही के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ये कोई मिसकम्युनिकेशन है। जैकलीन ने जो भी बयान दिया वो न्यायिक अधिकारियों के सामने पूछताछ के दौरान दिया, साथ ही उन्होंने नोरा को चेतावनी दे दी है। नोरा फतेही ने किसी भी कार्यवाही के होने से पहले मुकदमे की कॉपी लीक कर दी है, इसलिए जैकलीन अब जरूरत पड़ने पर कानूनी तौर पर नोरा फतेही के खिलाफ मानहानि का केस कर सकती है।